आज बाजार में हमारे प्लांट फूड्स का हाल है बेहाल। बेचकर घटिया प्लांट फूड्स कुछ स्वार्थी हो रहे हैं मालामाल। इसलिए हम आज उठाते हैं प्लांट फूड्स पर चंद सुलगते सवाल। अब वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि पेड़ पौधों में भी हमारी तरह ही जान होती है। ये खाद, फल, फूल, लकड़ी, सुगंध, सौंदर्य, हरियाली जैसी ढेरों अमूल्य चीजें देने के साथ हमें जिंदा रहने के लिए अनिवार्य प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं और प्रदूषण सोखते हैं। हमारा पूरा अस्तित्व ही इन पर निर्भर है। ये नहीं तो जीवन संभव है क्या? तो आइए बात करते हैं समस्या नंबर एक कि हम पौधों के साथ व्यवहार कैसा कर रहे हैं। हम अपने पालतू कुत्ते को तो हर महीने हजारों रुपयों का डॉग फूड खिला देते हैं, लेकिन हम पर आश्रित मूक पौधों को एक बार थोड़ी सी गोबर की खाद देकर हम यह समझ लेते हैं कि हमने पौधे को जीवन भर के लिए आहार की पूर्ति कर दी और बाद में हम उसे पानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देते। गमलों में पानी के जरिए अधिकांश पोषक तत्व बहते रहते हैं और हम पर आश्रित हमारे ये प्यारे पौधे सारा जीवन भूख से कलपते, तड़पते और छटपटाते रहते हैं। क्या आपको पता है कि विश्व के टॉप 50 प्रदूषित शहरों में से सर्वाधिक भारत के ही हैं? पौधे सबसे अच्छे एयर प्योरीफायर होते हैं। यदि हम इन्हें समय से खाना पानी नहीं देंगे तो ये या तो काम करना कम कर देंगे या बंद कर देंगे, जिससे प्रदूषण की स्थिति अधिक भयावह होती जाएगी और एक समय हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। अब आते हैं समस्या नंबर दो, घटिया प्लांट फूड पर। बाजार में बिक रहा प्लांट फूड बहुत घटिया है। बाजार में बिकने वाले 90% प्लांट फूड्स बगैर किसी लेवल या नाम के धड़ल्ले से बिक रहे हैं। इन्हें 2-3 सस्ते रासायनिक पदार्थों को मिलाकर औने पौने भाव पर बेचा जा रहा है, जिसे सड़क के किनारे बैठे अनपढ़ या अल्पज्ञानी तैयार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आपके पौधे के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये एन केन प्रकारेण आपका धन दोहन कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं समस्या नंबर 3 की ओर। बाजार में उपलब्ध प्लांट फूड्स बहुत महंगे हैं, साथ ही इनकी गुणवत्ता व लगातार उपलब्धता की कोई गारंटी भी नहीं है। ये है अगली समस्या, समस्या नंबर 4। बाजार में जैविक ब्रांडेड प्लांट फूड्स बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं। ब्रांडेड प्लांट फूड्स में रासायनिक प्लांट फूड्स की भरमार है, जो मानव स्वास्थ्य, मिट्टी एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। एक ओर ब्रांडेड प्लांट फूड्स महंगे तो है ही हैं, दूसरी ओर इनके गुणवत्ता की भी कोई गारंटी नहीं है। समस्या नंबर 5 है, मात्र गोबर की खाद को ही सब कुछ मान बैठना। मात्र गोबर की खाद पौधे को देकर हम समझ लेते हैं कि हमने उसे संपूर्ण भोजन दे दिया, लेकिन जानते हैं बात वही हुई जैसा हम अपने खाने में सिर्फ सूखी रोटी लेकर बैठ जाएं। गोबर की खाद में केवल नाइट्रोजन ठीक मात्रा में होती है, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत कम मात्रा में होते हैं, जबकि अन्य पोषक तत्व तो होते ही नहीं हैं। किसी पौधे के संतुलित व तेज विकास के लिए 14 अनिवार्य पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे संपूर्ण विकास के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। फिर शहर में 1 साल पुरानी गोबर की खाद मिल पाना भी टेढ़ी खीर ही है। आपने अब तक देखा प्लांट फूड्स से संबंधित चंद सुलगते सवाल। अभी और भी सवाल बाकी हैं, जिन्हें आप देखेंगे अगले भाग में। अगर हमारा यह प्रयास आपको प्रकृति व पर्यावरण हित में लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें व अधिकाधिक शेयर करें। आइए हम पर्यावरण सुधार के राह के साथी बनें।